अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरा चल रहा है ना, सुबह का है ना दोपहर का है, ये मतलब शाम का है, दोपहर का टाइम चल रहा है, 1 बज रहा है। तो मैंने मेथी को रात लेकर आए थे, ये इसके पापा ईशा के, तो मैंने इसको रात ही कट करके रख लिया था और धोई सुबह थी। मैंने इसको धोने के बाद ही मैंने इसे रख दिया था एक इसके जाल वाली टोकरी में, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, क्योंकि पानी बहुत छोड़ती है मेथी। और मैं इसको 3 मिनट तक इसको ऐसे ही ढक के रख दूंगी ताकि ये नीचे बैठ जाए, उसके बाद मैं इसको खोल के देखूंगी। 3 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसे खोल के देखा है, काफ़ी हद तक नीचे बैठ गई है। बस इसका क्या होता है, ये पानी बहुत छोड़ती है, तो कोई भी हरे पत्ते वाली सब्जी होती है वो पानी हमेशा छोड़ती है। तो यहाँ मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर लिए थे और उसको कट करके मैंने पीस के डाल दिया, हरी मिर्च चॉप करके डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और नमक मिर्च हल्दी बस यही डालनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है। कभी कभी तो लहसुन की और मिर्च की चटनी में भी बना सकते हैं इसको, बहुत अच्छी लगती है। बस मेरा इसका एक अलग ही तरीका है, मैं इसमें मलाई डालती हूँ हमेशा, क्योंकि ये कहते हैं ना मेथी बहुत कड़वी होती है, वो अपना कड़वापन ख़त्म कर देती है अगर मलाई हम लोग डालेंगे तो। तो मैंने आलू को पहले ही धो के कट करके अच्छे से रख लिया था, मिट्टी वाले आलू आ रहे हैं आजकल, सर्दी है। बस ये मैं मलाई डालने जा रही हूँ, 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी आप पे, घर की ये मलाई है, मैं रखती हूँ हमेशा निकाल के दूध पे से, तो ये डाल देती हूँ मैं। मलाई हमेशा डालती हूँ, कभी भी मैं मेथी आलू बनाऊँ तो उसमें मैं डालती हूँ, इसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कॉमेंट में कैसी लगती है मलाई डालने के बाद, टेस्ट चेंज हो जाता है इसका। बस इसको मैं 5 से 10 मिनट बाद देखूंगी, तेज़ आँच पे ही बनाऊंगी मैं इसको। और ये देखिए गैस मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत तेज़ आग पे बनाया था मैंने इसको, और ये बन के तैयार हो चुकी है। बस ये देखिए, चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस सब्जी मैंने बना ली है, सब्जी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, मैंने बनाया है आलू मेथी की सब्जी। बालों में मैंने बहुत सारा तेल लगाया है, मैं जा रही हूँ नहाने, बच्चे सारे नहा चुके हैं, ये ईशा नहा ली, इसके बाल गीले हैं देखिए कितने, और मैं इससे कह रही हूँ बाल सुखा लो। और देखिए मेरे यहाँ दाना निकल आया, रेड रेड हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना फीवर सा लग रहा है और मैंने बहुत सारा तेल लगाया है। ये देखिए वही वाला तेल लगाया है मैंने जो बनाया था कपूर की गोली वाला, और साफ सफाई सारी हो गई है। मेथी आलू की सब्जी बनाई है मैंने, तो ये बहुत अच्छी बनती है, मलाई डाल के, टमाटर डाल के, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते, मैं डाल लेती हूँ, मुझे पसंद है। उस तरीके से बनाइए, इसका जो कड़वापन होता है वो सब निकल जाता है। और ये देखिए मैंने ये वाले एयरिंग पहन लिए हैं, नाक की मैंने बाली चेंज कर ली है, क्योंकि मैंने इसको 15 साल से पहना हुआ था और बीच में मैंने 1 साल से रेड वाली जो नक का था, रेड का वो पहना हुआ था, नक्का रेड नग नहीं था वो, तो स्टोन नक्का होता है, नगी तो होता है वो, तो मैंने निकाल दिया है। बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अभी सुमैया मैडम जा रही है नहाने के लिए, वो नहा लेगी, इसके बाद मैं नहाऊंगी। और मैं कितना, मेरा फेस बुरा हो रहा है, सुबह मैंने सिर्फ फेस वॉश किया था और स्किन इतनी ड्राई हो रही है। मैंने वो सिरम बनाया था एलोवेरा का, उसमें तो बहुत अच्छा है, वही लगाती हूँ पूरी सर्दी, तो मुझे वो बहुत सूट करता है, मगर हाथ वगैरह बहुत ड्राई हो रहे हैं देखिए। तो बस बच्चे नहा के बैठ चुके हैं, ये देखिए इधर बैठे हुए, हाय कर लो, ये नहा लिए हैं दोनों। और बस अब मैं आटा गूंदूंगी शाम के लिए, तो आटा मैंने नहीं गूंदा है, टाइम अभी 2:45 हो रहे हैं, तो 2:45 हो रहे हैं, उसके बाद मैं शाम को आज आलू के पराठे बनाऊंगी। आलू मेथी मैंने बना ली है, वो इसलिए बना ली है क्योंकि हरी सब्जी है वो खराब हो जाती है, इसलिए मैंने बना के रख ली थी। बस मिलती हूँ उसके बाद नहाने के बाद, अगर धूप धूप तो नहीं मिलेगी अब छत पे, धूप टाइम ही नहीं मिलता जाने का, क्योंकि काम करते करते ही 2:30 या 3 बज जाता है, उसके बाद छत से धूप चली जाती है तो नहीं जा पाते हैं। ये देखिए, देखिए आज हमारे आलू के पराठे बन गए, और शाम को बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि मोनिस का मन हो रहा है उसे लेके जाने हैं ऑफिस, तो वही बनाऊंगी। अगर टाइम मिला तो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नहाने के बाद, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। टू लाख लाइक करना। तो गाइस फाइनली मैं नहा ली हूँ और अब मैं उबालूंगी आलू, ये देखिए, क्योंकि मैंने मेथी आलू बनाई थी वो तो मैंने निकाल दिए, पलट के रख दिए मैंने, ये देखिए ये मैंने बनाई थी मेथी आलू, मगर मुझे अब शाम के लिए बनाना है, ये मैंने दोपहर में ही बनाई थी और अब बनाना है मुझे आलू के पराठे। बस अब मैं आलू को उबालने के लिए रख दूंगी, आटा मुझे गूंदना है अभी और टाइम हो रहा है अभी,
चार बज रहे हैं तो अभी से ही तैयारी करूँगी क्योंकि जल्दी बनाना होता है 7 बजे तक मुझे। तो चलिए मैं बनाती हूँ। मैंने ले लिया है तो इसमें मैं अपना आलू रख दूँगी उबलने के लिए। मैंने धो के पहले ही रख लिया था अच्छे से क्योंकि मिट्टी के आलू आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए मैंने इनको धो के रख लिया था। बस मैंने यहाँ इनको उबालने रख दिया है। उबल दो बना था, दोपहर में हमने चाय पी थी तो उसी का है। बस छोले चावल रखे थे और दोपहर में नहीं खाए क्योंकि ईशा और मैं ही थे तो ज़्यादा इसलिए बनाया भी नहीं। मोनिस दोपहर में खाता नहीं है तो बस अब मैं इसका भरता बनाऊंगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ। चलिए बाय बाय बाय। तो यहाँ गाइस मैं लहसुन लाई थी, रात था बाजार मंगल बाजार तो वहीं से लेकर आई थी। इसको मैंने हल्का सा निवाया पानी में कर लिया है ओवन में और ये देखिए अब बस मैं इसे छीलूंगी। छील के इसका पेस्ट बना के एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ। अदरक का तो मैंने बना लिया, इसका नहीं बनाया है तो बस मैं ये जा रही हूँ बनाने। और मैंने अभी मुँह पर कुछ भी नहीं लगाया है नहाने के बाद क्योंकि मैं अभी नहाई थी आधे घंटे पहले। बाल बिल्कुल गीले हैं तो इस वजह से अभी बाल भी नहीं काटे हैं मैंने। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों से। चलिए गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए ये छील लेती हूँ, मिलती हूँ बाद। बाय बाय। श्रग लाई व्हाइट कलर का पूरा ना मिला भाभी, लॉन्ग वाला पर डिजाइन वाला वैसा साइडों में से ऐसे वैसे वाला ना रहता इस टाइप का। तो गाइज ये हम लोगों की बातें चल रही है, हम सरोजनी नगर गए थे ना तो थोड़े से गर्म कपड़े लेकर आए थे हम, वही किसी को फोन पर बता रहे हैं तो वही बातें चल रही हैं। और साथ साथ में ही मैं लहसुन को छील रही हूँ क्योंकि सुबह ही मैंने थोड़ा सा गर्म पानी गुनगुने करके उसमें डाल दिया था ताकि आसानी से ये लहसुन छील जाता है। और छीलने के बाद मैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना के भर के रख लेती हूँ डब्बे में, वो बहुत आसान होता है। सर्दियों में तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है लहसुन अदरक डालना सब्जियों में, कोई भी सब्जी हो तो टेस्ट अच्छा आता है। गाइस इसके बाद आलू भी छीलना है क्योंकि उबल रहे हैं अभी मेरे किचन में आलू, और साथ साथ में इधर उधर का काम भी कर रही हूँ मैं। तो गाइस आलू मैंने छील लिया है, ये देखिए ठंडे हो गए थे तो छील लिया मैंने। सर्दी के आलू हैं, वैसे भी छीलने में थोड़ी सी परेशानी होती है इनमें तो गरम गरम ही छीला है। तो ये देखिए काफ़ी सारे हैं आलू, और यहाँ मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं, प्याज वगैरह सब कट करके रख लिए, बस हरा धनिया कट करना है मुझे और ये आलूओं को अब मैश करना है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे करेंगे इनको। अप्रैल मैंने बांध लिया है ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हों क्योंकि मैंने स्वेटर डाला हुआ है तो इस पर आटा वगैरह ना लगे इसलिए मैंने लगा लिया है। और ये ले लिया है मैंने इसमें, और इसमें ही आलू को मैश करूंगी मैं इस तरीके से, देखिए हाथ से कर लूंगी ताकि हाथ से ना आसान रहता करना और जल्दी भी हो जाता है तो इसीलिए मैं इसको हाथ से कर रही हूँ। और अगर आपको इस तरीके से आसान नहीं लगे तो मैं एक तरीका और आपको बताती हूँ, देखिए कैसे मुझे करना है फोक की हेल्प से। तो ये देखिए जैसे ही फोक है इससे हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, ये देखिए इससे भी और आसान है ये करना, ये देखिए। तो यहाँ गाइस छोटा पड़ रहा है बर्तन तो मैं उसी में डाल लेती हूँ, और हेल्पर आ चुके हैं हमारे, ये ये सारा मैंने एक ही साथ कर दिया तो अच्छे से हो जाएगा। तो पेट अंदर कर लिया इस तरीके से, हाथ से भी कर सकते हो नहीं, हाथ से वो हाथ में घुस जाता है सारा, उसमें सही नहीं है हाइजीनिक है वो, घर में ही रखा हुआ था। धनिया भी कट कर लिया है मैंने, बस अब डाल दूंगी सारे मसाले इसमें। गाइस यहाँ डाल रही हूँ मैं मसाले, और प्याज थोड़ी छोटी करके बहुत बड़ी नहीं ठीक है नहीं बारीक तो पहले डालूंगी मैं ये प्याज, प्याज को मैंने पहले ही कट करके रख लिया था धो के अच्छे से और तब काटा था मैंने इनको। और ये थोड़ी सी अदरक, इसको भी मैंने कद्दूकस ही कर लिया था, ये देखिए। ये लहसुन है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था छोटे वाले कद्दूकस में। और ये है अमचूर,
ये है लाल मिर्च, ये है नमक, सब मैंने एक एक चम्मच ली है। और कोई कम खाता कोई ज्यादा, तो अपने अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये जीरा, ये अजवाइन है, तो मैंने अजवाइन भी ले ली है ताकि इससे कोई होता है ना कि बादी या गैस वैस ना बने, उसके लिए बहुत फायदा रहता है। और ये थोड़ा सा मैंने डाला गरम मसाला, ये जीरा है कूटा हुआ, तो ये देखिए दरदरा से ही मैंने कूटा है, ये डाल दिया है मैंने इसमें। यहाँ डालूंगी ये धनिया, धनिया के बगैर मुझे टेस्ट नहीं आता है, कभी भी मैं पराठे बनाती हूँ बगैर धनिया के नहीं करती हूँ। और ये जो है ये है हरी मिर्ची, चॉप करके पहले ही रख ली थी, तो ये देखिए लाल मिर्ची मैंने बहुत कम डाली है, आधी आधी चम्मच के करीब, और ये मैंने पूरा एक भर के डाल दिया है। बस इसको मिक्स करना है। तो चलिए मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं ये, और 6:30 बजे हैं, तो इनका टाइम सही टाइम हो गया था आने का, वरना मैं अकेले ही कर रही थी। चलो कुछ तो फायदा हो गया इनके आने से। जैसा कि गाइस आपने देखा, भरता बन चुका है, और अल्लाह सबको ऐसे शोहर दे जैसे मेरे हैं, हर काम में मेरा हाथ बटाते हैं, कोई भी काम मुझे अकेले नहीं करने देते हैं। जब कपड़े भी धोंगी तो साथ में लग जाते हैं मेरे, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे हस्बैंड मुझे मिले हुए हैं। बस मेरी यही दुआ है अल्लाह से, हर किसी को ऐसे ही हस्बैंड मिले। तो यहाँ मैंने इसको रख लिया है, और ये प्याज कट कर लिए छोटी छोटी, तो इसमें मैं दही मिक्स करूँगी, रायता बनाना है इसका प्याज का और इसका दही का। तो पराठे के साथ हम लोग इसी तरीके से खाते हैं, और ये इनकी मदद से हो गया है तैयार। तो चलिए मैं अब बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन ज़्यादा नहीं है, देखिए मैं दिखाती हूँ, अभी के हैं 2-3 बर्तन हैं वो वाले, तो बस मैं वो धो लेती हूँ, उसके बाद मैं पराठे बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि 7 बज चुके हैं, 7:45 हो रहे हैं, 7 बजे जा रही है तक। बस यहाँ मैं बर्तन धो लेती हूँ इतना। गाइस बर्तन मैंने धो लिया है, किचन हो गया साफ, बस अब मैं पराठे बनाऊंगी, और ये बड़ी वाली पराठी जिसमें आलू का भरता बनाया था, और काम हो चुका है, दही मेरी आ गई है, तो पहले रायता बना लेते हैं, उसके बाद बनाऊंगी पराठे। ये मिक्स करनी है प्याज, धो लिया था पहले ही मैंने इसको पैकेट को, और बस इसमें मुझे दही डालना है यहाँ पे, ये देखिए देखिए, बस इसको मिक्स कर दूंगी मैं दही को। तो हम लोग तो इस तरीके से खाते हैं पराठे, कोई भी पराठा हो, मेथी का हो, आलू का हो, या गोभी का हो, तो मैं इसी तरीके से बना के तैयार करती हूँ। बस थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, ये देखिए, बस ना इसमें नमक डालना है, कुछ नहीं डालना, ना मिर्च डालना। तो ये वाला हम लोग खाते हैं पराठे से, कुछ लोग बूंदी से खाते हैं, कुछ लोग अचार से, हम लोग अचार और ये ही खाते हैं। ये देखिए बन गया है, बस मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। तो गाइस अब हो रही है तैयारी पराठे बनाने की, और मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत जल्दी है रोटी बनाने में, पराठे बनाने में मुझे बहुत आसान रहता है, मैं कोई इन चीज़ों से घबराती नहीं हूँ। तो मैं इस तरीके से भर के उसको लोई बना के फोल्ड करके एक ही तय का मैंने पराठा, देखिए किस तरीके से गोल किया हुआ है, और ऐसे ही मैं इसको हाथ से, मतलब पतला आटा होता है, मैं ज़्यादा टाइट आटा नहीं रखती हूँ, तो इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाते हैं। कभी भी पराठे बनाओ ना, तो थोड़ा सा पतला आटा गूंदना चाहिए हमें। और यहाँ मैंने तेल लगा के उसे पलट दिया है, और बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं है, कोई डबल तह के बनाता है, कोई कैसे बनाता है, मैं तो 3-4 तरीके से बना लेती हूँ। अगर एक दिन का आटा हो, जैसे रात का रखा रहता है फ्रिज में, ऐड जाता है उसके, ये देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। अगर रात का आटा रहता है जैसे ऐड जाता है ना, तो वो उसका थोड़ा डबल तह का आप बना सकते हो, और मेरा हर पराठा फूलता है, मैंने बहुत सारे पराठे बनाए, मोनिस का टिफ़िन भी पैक कर दिया है यहाँ पर। साथ के साथ में मैंने इन लोगों को गरम गरम 3 पराठे दे दिए अंदर, ये खा भी रहे हैं, और ये बन के तैयार हो चुके हैं मेरे, आ जाइए सब खा लीजिए। तो फाइनली गाइस पराठे बन चुके हैं, ये देखिए सारे बन चुके हैं, और कुछ खा भी लिए हैं साथ में गरम गरम। अब मैं इनको रख दूंगी हॉट पॉट में, मतलब डलिया में, तो जब खाएंगे तो रायते से अचार से जैसे भी खाया जाएगा। तो चलिए वीडियो का एंड यही करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, और आ जाइए आप सब भी खा लिए पराठे, और बताइएगा कैसी वीडियो लगी। गाइज अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो और शेयर भी कर दिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।